नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। बात करते हैं आज हम इंडिया'स बेस्ट ऑफ कॉफी के बारे में। तो रिसेंटली रोबस्टा कॉफी में अटैक हुआ है हमारा कॉफी बेरी बोरर का। तो इस वजह से हमारा ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से पेस्ट हैं जो जनरली कॉफी को अटैक करते हैं। सो ये है हमारा कॉफी बेरी बोरर। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो कॉफी है, इंडिया में कॉफी का 71% प्रोडक्शन अकेले कर्नाटका में होता है। और कर्नाटका के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है कॉफी का वो होता है केरला में, जो होता है अराउंड 21%। सो इंडिया का माना जाता है कि जो कॉफी है वो काफी फाइन होती है और जो वर्ल्ड में कहीं और इतनी अच्छी कॉफी नहीं मिलती। तो जनरली जो कॉफी है, दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज ग्रो होती है इंडिया में कॉफी की, दे आर अरेबिका एंड रोबस्टा। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं जो अटैक करते हैं कॉफी को। तो मेजर पेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारा वाइट स्टेम बोरर। सो ये वाइट स्टेम बोरर का अडल्ट है। सो इसका जो हमारा ग्रब होता है वो बचाता है तबाही। मोस्टली वाइट स्टेम बोरर का जो अटैक होता है वो होता है हमारा अरेबिका कॉफी में। सो अरेबिका में इसका मेन होस्ट है, इसका नाम होता है ज़ाइलोट्रेकस क्वाड्रिपस और ये बिलोंग करता है हमारा सिरेम्बिसिडी फैमिली को, जो आती है हमारी ऑर्डर ऑब्वियसली कोलियोप्टेरा। सो ज़ाइलोट्रेकस क्वाड्रिपस जो है इसका जो प्रेफर्ड होस्ट है दैट इज अरेबिका कॉफी। इसके अलावा ये रोबस्टा टीक वगैरह को भी करता है हार्म। और जनरली क्या होता है कि बाकी जो अल्टरनेट होस्ट हैं उनमें ये ब्रीड नहीं करता बट जस्ट बोर करता है। सो होता क्या है कि अराउंड इसका जो लाइफ साइकिल होता है, एग्स 10 डेज, लार्वा 10 मंथ्स और प्यूपा 30 डेज। सो जो लार्वल स्टेज है इसकी, जिसको हम ग्रब बोल रहे हैं, तो ये जो हमारा ग्रब है ये करता क्या है, ये जनरली होता है हमारा वाइट या फिर येलोइश कलर का होता है और ये करता है बोरिंग स्टार्ट करता है ये। इसकी जो बॉडी होती है वो ब्रॉड होती है और ये टेपर करती है टुवर्ड्स द एंड। सो ये करता क्या है, ये बोर करता है ब्रांचेस में और मेन स्टेम की ब्रांचेस में बोर करता है, प्राइमरी ब्रांचेस में बोर करता है। और बोरिंग करने से क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, जो यंग प्लांट्स हैं, वो ज्यादा नहीं सहन कर पाते। तो यंग प्लांट्स जनरली, जो 7-8 साल के छोटे प्लांट हैं, दे डाई विद इन अ ईयर, जबकि जो ओल्डर प्लांट्स हैं वो थोड़ा सस्टेन कर लेते हैं इसके अटैक को। और पर क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हो जाती है डिक्रीज। सो जनरली इस तरह से इसका अटैक होता है। इसके जो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स होते हैं अगर हम देखें तो ये बोरिंग करते हैं। डैमेज कैसा दिखाई देता है कि स्टेम पे रेजेस हमको देखने को मिल सकती हैं, जो अब क्योंकि ये बोर कर रहा है लीव्स में येलोइंग होगी, विल्टिंग होगी और ओकेजनली दे डाई। सो इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस अगर हम देखें तो हम इसका मैनेजमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रॉयड पार्ट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा अरेबिका कॉफी है उसको हमें ऑप्टिमम शेड प्रोवाइड करना चाहिए।
सो अगर शेड इनएडिक्वेट होगा तो अटैक ज्यादा होगा, तो शेड इज इम्पॉर्टेंट. दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे को लग रहा है कि जो एग्स है अगर हमारे को दिख रहा है तो उन्हें स्क्रैप कर देना चाहिए और ऑप्टिमम शेड प्रोवाइड करना चाहिए. और बिवेरिया बेसियाना इट इज़ अ फंग जाए तो इसको हम स्प्रे कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो क्लोरो पायरीफॉस का स्प्रे भी किया जा सकता है. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम वाइट स्टेम बोरर के ग्रब के अटैक से बचाया जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड बोरर की. जैसे कि हम देख सकते हैं इसका जो ग्रब है उसका कलर होता है रेड. सो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज जुजेरा कॉफे. और ये दोनों टाइप की कॉफी दैट इज अरेबिका और रोबस्टा दोनों में पाया जाता है. ये कॉफी ग्रोइंग एरियाज में बहुत वाइड स्प्रेड है और इसके जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं दे आर सैंडल, टी, सिनेमम, कॉटन, इन सब में भी होता है. अब होता क्या है इसमें, इसका जो लार्वा होता है इसकी स्टेज होती है अराउंड 4 to 5 months लास्ट करती है. और इस टाइम पे क्या करता है, ये स्टार्ट करता है बोरिंग. बोर करता है ये कहाँ पे, ये स्टेम में बोर करता है. जनरली जो लीफ स्टॉक और जो ट्विग का जंक्शन होता है वहां से ये बोरिंग स्टार्ट करता है. और वहां से बोर करता हुआ ये बहुत डीप जा सकता है, इवन ये रूट्स तक भी पहुंच सकता है. तो जैसे जैसे क्योंकि ये बोर कर रहा है तो बोर करने से ऐसा टनल बना रहा है. टनल बनाने के बाद क्या होता है इससे कि ये पूरा प्लांट को ड्राई करने की कैपेसिटी रखता है. तो लेटर पार्ट्स में, लेटर टाइम में क्या हो जाता है, लेटर स्टेजेस में होल प्लांट ड्राइज अप और ड्राई होने के बाद इट विल आल्सो डाई. सो हमें साइंस अगर हम देखें तो साइंस क्या मिल सकते हैं, क्योंकि बोरिंग कर रहा है तो विल्टिंग के साइंस देखने को मिलेंगे. और जहां से बोर किया वहां से होल्स दिखाई देगा इन्फेस्टेड पार्ट्स में, राइट. और क्या होता है इसमें, ये लार्वा जो 4-5 महीने है ये बोर कर रहा है अंदर ही अंदर, और वहीं पे इसका प्यूपा भी डेवलप होता है. और प्यूपल स्टेज अराउंड 3 to 4 weeks तक लास्ट करती है. और ये जो जहाँ से ये होल, जहाँ पे इन्फेस्टेड पार्ट, जहाँ पे भी इसने डिगिंग करनी स्टार्ट की, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से इसका जो एक्सक्रीटा है वो हमारे को देखने को मिल सकता है. तो एक हमारा ये डायग्नोस्टिक सिम्टम ये भी हो जाएगा कि एक्सक्रीटा जो है इट हैंग्स. तो एक्सक्रीटा हैंग आउट करता है, देन इस तरह से काफी बोरिंग वगैरह करता है और एडवांस स्टेज में पूरा का पूरा जो प्लांट है इट ड्राइज अप. सो इसकी जो हमारे जनरली मैनेजमेंट ये रहता है कि आपको जैसे ही दिखाई दे कि कहीं पे हमारे को ये साइन अगर इसके दिखाई दे रहे हैं तो उस अफेक्टेड पार्ट को पूरी तरह रिमूव कर दिया जाए. और सीवियर इन्फेस्टेशन के टाइम पे पूरे के पूरे प्लांट को अप्रूव करना जरूरी हो जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर बोर करता रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेड बोरर और इसकी कुछ ऐसी स्पॉटेड बॉडी होती है. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट जो है नेक्स्ट इन्फेस्टेशन हमारा जो हो सकता है दैट इज बेरी बोरर. तो बेरी बोरर का इन्फेस्टेशन की अगर हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो देखते हैं इसको. सो जो ये हमारा बेरी बोरर होता है दैट इज हाइपोथैलेमस हैम्पी. ये मोस्टली सारे कॉफी ग्रोइंग एरियाज में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. और अगर इसका मैनेजमेंट नहीं किया गया, इस अटैक को नहीं रोका गया तो 50 to 100% बेरीज जो है पूरे फार्म पे डिस्ट्रॉय हो सकती हैं. सो इट इज़ हाईली डिस्ट्रक्टिव और मोस्टली रोबस्टा कॉफी को इफेक्ट करता है. ऑल्टरनेट होस्ट अगर हम देखें तो अरेबिका करता ही है, लेंटाना, टैमरिंड, चाय सब में करता है. अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह से डायग्नोस्टिक इसके सिम्टम्स हैं तो जैसे कि इसका नाम है बेरी बोरर, तो इसका जो अडल्ट है
ये क्या करता है, ये बोर करता है इनसाइड द बेरी, और इसकी जो बॉडी होती है ये काफी थिक होती है, हेयर से कवर्ड होती है। और ये क्या करता है, इसकी जो फीमेल है ये टनल्स बनाती है, और 30 to 50 एग्स जो है ये टनल्स के अंदर ले करती है। और ये टनल्स में एग्स क्या होते हैं, हैच होते हैं अराउंड 10 डेज में, और लार्वल स्टेज 20 डेज तक रहती है। सो एग्स क्या करते हैं, ये हैच होने के बाद ये जो एग्स है ये फीड करते हैं किस पे, बीन्स पे, कॉफी बीन्स पे फीड करते हैं ये, और उसमें बनाते हैं ये स्मॉल स्मॉल टनल्स। टनल्स बनाते हैं बीन्स पे फीड करते हैं, लार्वल और प्यूपल स्टेजेस भी वहीं पे डेवलप होती हैं। सो इसकी लार्वल स्टेजेस 20 डेज तक रहती है, प्यूपा 7 डेज तक, एंड इवन इनकी जो मेटिंग होती है वो भी बेरीज के अंदर होती है, और इसकी जो सेक्स रेशियो दैट इज 10:1। सो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना, और मोस्टली जो रोबस्टा कॉफ़ी है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि जो अरेबिका है उसको तो पहले ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इट इज़ हार्वेस्टेड अर्ली। बचता क्या है हमारा, रोबस्टा, और इसी वजह से रोबस्टा में ये अटैक बहुत ज़्यादा देखने को पाया जाता है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक सिम्टम्स के बारे में, तो छोटे छोटे स्मॉल राउंड होल्स देखने को मिल सकते हैं, टनल्स बनते हैं इन बेरीज और बीन्स पे फीड करते हैं ये, और इवन ये डैमेज एंडोस्पर्म तक जा सकता है। सो जो बेरीज हैं, जो हमारी टेंडर टेंडर सॉफ्ट सॉफ्ट बेरीज हैं, जनरली क्या हो जाता है, दे ड्रॉप। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी डिवास्टेटिंग डिजीज, ये बेरी बोरर बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है। तो अगर हम इसका मैनेजमेंट देखें तो उसमें क्या होता है कि थिन शेड या प्रॉपर ट्रेनिंग प्लांट की होनी ज़रूरी है, हार्वेस्टिंग सही से होनी चाहिए, और मॉइस्चर लेवल सही मेंटेन करना चाहिए, लाइक 10% अरेबिका, रोबस्टा में 11%। सो इस तरह से मॉइस्चर लेवल अगर सही से मेंटेन किया जाए, और ये फंगल स्प्रे अगर किया जाए और सही से ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो इस तरह से हम कुछ इस टाइप की चीज़ों की हेल्प से हम इसके को सही से मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम ब्रोकर ट्रैप्स भी लगा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ये, लाइक 10 यूनिट्स पर एकड़ के हिसाब से इनको इंस्टॉल किया जा सकता है, और ये पेस्ट के अटैक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन स्केल ऑफ कॉफी, दैट इज कोकस वर्डस। अभी तक हमने जितने भी पेस्ट देखे वो हमारे मोस्टली बोरिंग पेस्ट थे, ये जो ग्रीन स्केल है इट इज अ सकिंग पेस्ट। सो जनरली ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, जो भी कॉफी ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ सब जगह ही मिलता है, मेनली इसका होस्ट कॉफी ही है। इसके अलावा ये सिट्रस, मैंगो, लुकाट, गुआवा, सपोटा, इन सब में भी देखने को मिल सकता है। सो इसमें होता क्या है, इसका जो एडल्ट होता है ये होता है हमारा लाइट ग्रीन कलर का, ओवल शेप्ड। और इस एडल्ट में क्या होता है, इसमें होता है पार्थेनोजेनेसिस। सो रिप्रोडक्शन इसमें बाय पार्थेनोजेनेसिस होता है, और ये अराउंड कितने, 600 प्रोजेनीज प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक हम बोल सकते हैं कि अराउंड 600 नेम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एडल्ट जो है, इसके जो एग्स है वो बॉडी में ही हैच होते हैं इनटू निम्फ्स, और फिर ये जो निम्फ है इसके जो येलो कलर के होते हैं, लाइट येलो, पेल येलो कलर के होते हैं, इनकी होती है 3 इंस्टा स्टेजेस। 3 स्टेजेस के थ्रू ये डेवलप होते हैं निम्फ, और इसका टोटल ड्यूरेशन होता है अराउंड 4 to 6 वीक्स।
4 to 6 weeks में ये लिम्स जो है डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होने के बाद क्या होता है कि ये जो लीव्स है उनकी जो मिड रिब है उसके अंडर सरफेस पे ये पाए जाते हैं, वहां पे ये कॉन्ग्रीगेट करते हैं, सारे असेंबल हो जाते हैं साथ में एंड दे सक द सैप। सीवियर इन्फेस्टेशन से जो हमारा प्लांट है इट मे लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट, और ये सैप को सक करते हैं और जो भी इन्फेस्टेड लीव्स होती है वो कैसी हो जाती है, कर्ल हो जाती है, जो ट्विग्स होती है वो ड्रूप हो जाते हैं और हनीड्यू जो है एक्सक्रीट करता है, और इसकी वजह से हमारे को जो डायग्नोस्टिक सिम्टम जो मेन देखने को मिलता है दैट इज सूटी मोल्ड। सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ सूटी मोल्ड इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ग्रीन स्केल। सो क्योंकि ये सूटी मोल्ड हम देख सकते हैं तो इस समय पता चल जाता है कि किसने इन्फेस्ट किया है, और जहां पे ये सूटी मोल्ड होगा वहां पे एंट्स भी हमारे को देखने को मिलेंगी। तो जो एंट्स है वो क्या करती है, वो हनीड्यू को रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से जो निम्फ्स है उनका सर्वाइवल रेट और इंक्रीज हो जाता है। सो अगर हमें इनको मैनेज करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्टिसिलियम लेकेनाई का स्प्रे कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन लेडीबर्ड बीटल को भी रिलीज किया जा सकता है। सो इस तरह से इसका जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है। सो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट से कॉफी के, तो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लेक्चर पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू।